मुरादाबाद। भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे भारत में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक जन्म सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। क्रम में मुरादाबाद के लाइन पार एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डॉक्टर विशेष गुप्ता अध्यक्ष ने बताया कि आज मुरादाबाद के लाइन पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री जी के व्यक्ति को दर्शाया गया है कि उन्होंने किस प्रकार एक कार्यकर्ता बनकर अपने काम को मेहनत से किस तरह से अंजाम दिया। प्रयास करें। थैंक यू। मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष भी हूँ और जो इन्हें पूरा सेवा सप्ताह प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेकर जो सेवा सप्ताह 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जो मनाया जा रहा है, इसका प्रदेश का सह संयोजन है। तो आज यहाँ मुरादाबाद में प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें उनका व्यक्तित्व भी है, कृतित्व भी है, देश और समाज के लिए कार्यकर्ता बनकर जो काम किए हैं, चाहे वो छोटे पद पर कार्यकर्ता के रूप में किए हों या बड़े प्रधानमंत्री के रूप में किए हों, उनके जीवन को अभिव्यक्त करना उनका स्पष्ट निर्देश है कि मेरे जन्मदिवस को केवल बाकी जिस प्रकार से विदेशी शैली के रूप में जन्मदिवस मनाए जाते हैं वो कतई स्वीकार्य नहीं है। हमें स्वीकार्य ये है कि समाज की समस्याओं के साथ जुड़कर देखना और उनके समस्या के हल के प्रयास ढूंढना, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का निर्देश है। तो आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो संदेश दिया गया है कि कार्यकर्ता बनकर किस प्रकार से समाज के लिए काम किया, किस प्रकार से देश के लिए काम किया, किस प्रकार से पूरे विश्व में आज भारत बेहतर स्थिति में है, आज भारत अर्थव्यवस्था में बेहतर है, भारत चिकित्सा में बेहतर है, भारत स्वच्छता में शौचालय को लेकर पूरी दुनिया में आज भारत काउंसलर बन गया है, आज उज्ज्वला है, चाहे खाता खुलवाने का मामला है, जनधन योजना है, जितनी योजनाएँ हैं उस योजनाओं का प्रभाव 2014 के बाद पिछले 5 वर्षों में या जो दूसरी पारी है उसमें भी बहुत तरीके से गया है। पूरी दुनिया में अगर मंदी है तो भारत आज भी बेहतर स्थिति में है। तो ये समस्या चाहे वो जल संरक्षण की है, चाहे वो स्वच्छता की है, जल संवर्धन की है, या हमारी जो तमाम वृद्धों की समस्याएं हैं, या विद्यालयों में बच्चों को संदेश देना है, शपथ दिलवानी है, तो लाखों की संख्या में बच्चों के बीच में हमारे कार्यकर्ता गए हैं, संयोजक गए हैं, उन संयोजकों में जाकर उन्होंने बीच में जो शपथ दिलवाई है उस शपथ के माध्यम से जल कैसे बचाएं, गंदगी को कैसे दूर रखें, हम वृद्धों की कैसे सेवा कर सकते हैं, समाज के कमजोर वर्ग को कैसे अपने साथ मिलाकर उसकी सेवा कर सकते हैं, विकलांगों को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये कोशिश हुई है, ये कोशिश 8 दिन की है, लेकिन ये कोशिश 8 दिन की कैसे वर्ष में लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बने। आप महानगर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मेरा केवल निवेदन ये है कि मोदी जी की प्रदर्शनी का संदेश ये है कि जिस प्रकार से एक कार्यकर्ता ने छोटे स्तर पर संगठन में पदभार करके गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में या देश के प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार से संदेश दिया है वो एक कार्यकर्ता का संदेश है। आज भी वो कहते हैं कि मुझे प्रतिस्पर्धा दुनिया से नहीं करनी, अपने आप से करनी है, मुझे अपना 100% देना है, कार्य संस्कृति को मानना है, देश और समाज के लिए मुझे काम करना है। तो हमारा संदेश यही है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने जीवन को एक इस राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, उसी प्रकार से हमारे कार्यकर्ता भी समाज और राष्ट्र को अपने आप को समर्पित करके अपने को निवेश करें, अपना वहाँ समय दें, सामाजिक समस्याओं को देखें, जल संरक्षण की बात करें, स्वच्छता की बात करें, वृद्धों के बीच में जाए, गरीब लोगों के बीच में जाए, मरीजों के बीच में जाए, जितना भी वो कर सकता है अपने सामर्थ्य के अनुसार उस समाज में बेहतर करने का प्रयास करें। तो हमारे कार्यकर्ता के लिए भी आज इस प्रदर्शनी पर प्रदेश की ओर से यही मेरी ओर से संदेश है।